गुड इवनिंग गाइस, आज हम लोग बात करेंगे पद्मजी पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड के बारे में। इसकी करंट मार्केट प्राइस है 43 रुपीज 60 पैसे, 52 वीक लो है 12 रुपए 50 पैसे का, 52 वीक हाई है 46 रुपीज 80 पैसे का। इसका अगर हम मार्केट कैप देखें तो करीब 400 करोड़ रुपए का है। इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू है लगभग 32 रुपए के आसपास। इसमें वॉल्यूम ट्रेड हुआ है करीब 8 लाख शेयरों का। पर ये पूरी पिक्चर आपको इस शेयर की कहानी नहीं बताती। उस कहानी को जानने के पहले हम इसके Q4 के रिजल्ट्स देखते हैं जो कि June 1 को इसने पब्लिश किए थे। June 1 में पद्मजी पेपर का स्टैंड अलोन रिजल्ट था। ऑलमोस्ट नेट सेल्स 147 करोड़ रुपीस थे, लगभग ईयर ऑन ईयर 10% या 11% का इंक्रीमेंट हुआ था। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि मार्च 2020 के कंपैरिजन में नेट सेल्स 11% बड़े हैं। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट देखेंगे अगर हम तो मार्च 2020 के कंपैरिजन में 445% नेट प्रॉफिट बढ़ा है। यानी कि इसी समय पिछले साल जब कंपनी ने 4 करोड़ का मुनाफा किया था उसके कंपैरिजन में इस साल 21.5 करोड़ का मुनाफा किया है। इसकी EPS अर्निंग पर शेयर भी काफी बेहतरीन तरीके से बढ़ी है। इसे भी वापस कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर, मार्च 2020 में करीब 0.41 पैसे की थी EPS, जो कि अब 2 रुपए 24 पैसे की हो गई है। शुरुआत में मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसने अपना रिजल्ट Q4 का लॉन्च किया था June 1 को। उसके ठीक एक दिन पहले 31 मई 2020 को क्रिसिल ने पद्मजी पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड की रेटिंग इश्यू की। इनका टोटल बैंक लोन फैसिलिटी है करीब 250 करोड़ का। लॉन्ग टर्म रेटिंग क्रिसिल ए स्टेबल है जो कि रीअफर्म हुई है। शॉर्ट टर्म रेटिंग क्रिसिल A2+ है और एक फिक्स्ड डिपॉजिट की रेटिंग है इनकी FA स्टेबल। ऑल इन ऑल बिजनेस वाइज ये अभी भी काफी अच्छी रेटिंग कैटेगरी में आती है। क्रिसिल ने माना है कि कंपनी हेल्थी मार्केट पोजीशन एंजॉय करती है और लगभग हर सेगमेंट में 30-40% मार्केट शेयर इसका खुद का है। ये उस समय की बात है जब इंडिया में पेपर इंडस्ट्री में मेजर डोमेस्टिक डिमांड केटर की जाती है इंपोर्ट्स के द्वारा, यानी कि 50-60% ऑफ पेपर्स डोमेस्टिक मार्केट में इंपोर्ट किए जाते हैं। अब एक नजर डालते हैं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी की शुरुआत हुई थी लगभग 1964 में पुणे में। इनका मेन ऑब्जेक्टिव और एक हम्बल बिगनिंग थी कि स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बनाए पेपर्स और पैकेजिंग के लिए, ताकि उससे हर तरीके का सामान डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके आसानी से। इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कैपेसिटी लगभग 72,000 यानी कि 72,000 टन्स पर एनम की पहुंच चुकी है। ये FMCG सेक्टर में और बाकी सारे सेक्टर में एक बहुत अच्छी मार्केट पोजीशन रखता है। आप और मैं सोचते होंगे, या एटलीस्ट ये कह सकता हूँ कि मैं तो यही सोचता था कि पेपर के कितने यूज होते हैं, या तो प्रिंटिंग पेपर रहेगा या प्रॉपर्टी बेस्ड पेपर्स रहेंगे या न्यूज़पेपर होंगे। एक बार इनके प्रोडक्ट लाइन पे नजर डालते हैं, मैं खुद हैरान रह गया था कि कितने कितने टाइप के पेपर्स ये कंपनी बनाती है। ये है इसकी सब कैटेगरी। कंपनी बनाती है क्रेप टिश्यू एंड टॉवल पेपर्स, डेकोर ग्रेड पेपर्स, फूड ग्रेड पेपर्स, फार्मा ग्रेड्स, सुपर कैलेंडर ग्रेड पेपर्स, स्पेशलिटी ग्रेड्स और जैसे कि बताया राइटिंग और प्रिंटिंग ग्रेड्स। ये इसका सब पार्ट है। अब सब पार्ट्स के भी सब पार्ट्स हैं।
ये देखिए, फेशियल नैपकिन, बाथरूम टॉवल टिश्यू, डायपर टिश्यू, डेकोल ग्रेड में, फूड ग्रेड्स में, फार्मा इंडस्ट्री में, कैलेंडर्स में, स्पेशलिटी एंटी रस्ट टिश्यू पेपर्स और एब्स्ट्रैक्ट पोरस क्राफ्ट पेपर्स, पैकिंग टिश्यू पेपर्स, मतलब जितना एक एवरेज आदमी सोच भी नहीं सकता है कि किस किस तरीके से पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में पेपर का यूज हो सकता है, ये कंपनी उन सब चीजों में काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। और जिस तरह से हम लोग प्रोसेस इंडस्ट्री की तरफ कन्वर्ट हुए जा रहे हैं, ये इंडस्ट्री का मार्केट ग्रो होना लगभग तय है। एक बार इसके प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। कंपनी लिस्टेड हुई थी लगभग 1 अप्रैल 2016 को, तो यहाँ पे आपको ईयरली रिजल्ट्स मेरे ख्याल से मार्च 2016 से देखने मिलेंगे। कंपनी के सेल्स ग्रेजुअली ओवर द इयर्स लगभग 500 से 550 के रेंज में रहे हैं। मार्च 2016 में 450 करोड़ थे, मार्च 2021 में भी 450 करोड़ है, मार्च 2020 और मार्च 2019 में सेल्स काफी अच्छे थे, फिर पैंडमिक के कारण इनमें इफेक्ट आया। पर एक गौर करने वाली बात यह है कि ओवर द इयर्स इनका सेल्स टू एक्सपेंस रेशियो कम हुआ है। पैंडमिक वाले ईयर में देखें तो लगभग सेल्स टू एक्सपेंस रेशियो काफी कम हुआ है और उसकी बदौलत इन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है। कंपनी कैश फ्लो भी काफी अच्छा जनरेट करती है। इस साल करीब बिजनेस ऑपरेशन से इन्होंने 86 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट किया है, जिसमें से वापस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इन्होंने 50 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज या इंस्ट्रूमेंट यूज करते करते 32 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट किए और नेट बचा लास्ट में 4 करोड़ का एडिशनल कैश फ्लो। इनके आरओसी भी शानदार है, डेप्टर डेज भी काफी अच्छे हैं, अमूमन 60 से 90 दिन के होते हैं, इनके काफी अच्छे हैं। एक नजर डालते हैं इनके चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स में इसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है, ये देखिए 2018 में 32.65 रुपए इसने टच किए थे, उसके बाद से एक डाउनफॉल आया जो कि करीब, कंपनी अभी भी अच्छा ही कर रही थी बट शेयर प्राइस में इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट कम दिखने के कारण प्राइस काफी गिरा और लगभग 32 रुपए से 10 रुपए आ गया। इसके बाद इसने वापस मेहनत की चढ़ने के ऊपर और लगभग 27 नवंबर को वॉल्यूम भी काफी अच्छा था, इसने क्लोजिंग दी थी 22 रुपए के आसपास, 22.75 रुपए। अगर आप देखेंगे 27 रुपए 22 रुपए तो काफी करीब थे। फिर इसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की पर वो फेल रहा। यहां पे मैं आ गया था, एक चीज गौर कीजिएगा, मैं 28 को 27.05 रुपए पे इसकी क्लोजिंग हुई, 31 मई को क्रिसिल ने इसकी रेटिंग अप्रूव की, 1 जून को इनका क्वार्टरली 4 का रिजल्ट और फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट इश्यू हुआ, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया और वो ऑलमोस्ट 4 ईयर का ब्रेकआउट था। ये देखिए यहाँ पे 32.65 रुपए पे 4 मई 2018 को वॉल्यूम के साथ और यहाँ पे 4 जून 2021 को ठीक 32.65 रुपए पे इसने क्लोजिंग दी थी। उसके बाद में जो ये बढ़ा है ऑलमोस्ट 47 रुपीस टच करने की इसने कोशिश की है। मेरी राय में अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको शॉर्ट टर्म में 50 से 55 तक के टारगेट्स दिखा सकता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमें और
किस कंपनी के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।